एक बार नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज वैसे महिमा तो आपकी बहुत है, पर अगर वोट पड़े तो जीतेंगी हम ही। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं। तो बोले चलो तुम अपना प्रभाव दिखाओ, चल करके हम अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो भगवान एक महान तेजस्वी संत के रूप में गृहस्थ के आ गए, उसने चरण पखारे, आरती की, बैठाला, प्रसाद पवाया। अब लक्ष्मी जी एक बुढ़िया के रूप में झोली टांगे गई, बच्चा भोजन पवाओगे? हाँ माता जी पवाएं। तो बोले बच्चा हम तो अपने पात्र में पाती है, आप पा लीजिए, आपका ऐसा नियम है। निकाला रतन जटित सोने की थाल, गिलास, कटोरी, कटोरा, लोटा, जल का इसमें डाल दो बेटा। भगत के होश उड़ गए कि कमाल की वृद्धा है, पवाया। जब प्रसाद पा चुके तो बोले माता जी थाली आप ही धोएंगे या हम धोले? बोले बच्चा धोने की जरूरत नहीं, हम एक बार जिसमें भोजन पाती दोबारा पाती नहीं है, तो ये तो तुम्हारे। अरे बोले मैया अच्छा बच्चा चलती? बोले नहीं मैया, दो चार दिन रुको। बोले बेटा जहाँ संत होते हैं वहाँ थोड़ा हम कम जाती है। तो उनका स्वामी जी ढोली उठाओ आप। बोले नहीं बेटा आज रात्रि तो रुक ले। बोले नहीं मैया रुकेगी। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली कहो जा रहे या धक्का लगवाओ? अब जब भगवान संत व्यस्त व्यस्त चल दिए तो वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी का प्रभाव छोड़े। तो हम ये विनोद की भाषा में दृष्टांत सुनाया कि अगर माया अपना प्रभाव दिखा दे तो भगवान को हम कुछ नहीं।